एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मैं बैठी हूँ बाहर, और क्योंकि आज बहुत अच्छा मौसम है, बाहर बारिश हुई है तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मेरे को लगता है हर जगह ही बारिश हो रही है। और पीछे जो आपने देखी, जो सुंदर सा नज़ारा मैंने आपको दिखाया, वो है हमारे गाँव में एक सकरैन माता का मंदिर है, वहाँ का वो वीडियो है। मतलब मैंने जब हम गांव में गए थे तो वहाँ मैंने ये कैप्चर किया था, तो आपके साथ शेयर किया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने जो है बना के रखी हैं, जो शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दी में आना पड़ा था, तो फिर काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे ही रह गए थे। जैसे होता है ना कि कई बार एडिटिंग करने को रह जाती है तो, और फिर वीडियो छूट जाता है अपलोड करने के लिए, तो उसी तरह से बहुत प्यारी प्यारी सीनरीज, मतलब अच्छी अच्छी जगह के वीडियोस जो हैं मैंने बना के सेव किए हुए हैं। ऐसे ही मैं धीरे धीरे उनको आज जो है आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी का जो है एक मशहूर मंदिर है सकरैन माता का, वहाँ का जो है आसपास का जो है एरिया और वहाँ के आसपास का व्यू जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है। और वैसे भी जो है घर से वीडियो जो है मुझे भेजते रहते हैं मेरे रिलेटिव्स, क्योंकि उनको पता है मैं YouTube में हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब इधर उधर का वीडियोस मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं यहाँ के साथ साथ आपके साथ जो है वहाँ की वीडियोस भी शेयर करती रहूँ, गाँव की भी। खुद गाँव जाती हूँ तब तो शेयर करूँगी ही, लेकिन खुद यहाँ हूँ तब भी आपके साथ वहाँ की वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए मौसम हो गया है बहुत ही अच्छा, और आज भी शायद बारिश होगी क्योंकि अभी भी बादल जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा ऑन करके। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसा मौसम हुआ है, और आज जो है मैंने जो है मसूर की दाल बनानी है, तो उसकी वीडियो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर चलते हैं उसके लिए किचन में। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ आज जो है मसूर की दाल, काले मसूर की दाल। यहाँ शायद कुछ लोग उसे साबुत मसूर की दाल भी बोलते हैं, वो वाली आज मैं बना रही हूँ। तो अभी पिछले एक डेढ़ घंटे से मैंने उसे भिगोने के लिए रख दिया था, क्योंकि जो है मैं उस दाल को कुकर में नहीं बनाऊंगी, उसको मैं बनाऊंगी पतीले में, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो चलिए फिर मैं इसे बनाना शुरू करते हैं। और इस दाल में ये जो दाल है ये बहुत ही अच्छी होती है, मतलब हेल्थ के लिए, तो वो मैं आगे जब बनाते आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह की दाल, इसे हम काले मसूर की दाल बोलते हैं, और काले मसर बोलते हैं वैसे हम अपने जो मंडियाली लैंग्वेज में काले मसर, तो उसकी दाल जो है आज मैं बना रही हूँ। तो इसको जो है मैंने भिगोने के लिए डाल दिया है, और इसे कम से कम एक डेढ़ घंटा में मैंने जो है भिगोने के लिए डाला था। और फिर उसके बाद जो है ये देखिए, ये जो मतलब इस अच्छी तरह से धो के छांट के डाल दिया था, और ये देखिए मतलब दो घंटे होने वाले हैं लगभग, उसके बाद जो है ये दाल भिगो के देखिए बिल्कुल बाउल जो है फुल हो गया है। और प्याज भी मैंने काट लिया है, लहसुन अदरक को जो है मैंने कुंडी में कूट लिया है। और चलिए फिर इसे बनाना जो है हम शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो दाल है ये मैं बनाऊंगी इस पतीले में, और ये पतीला बहुत ही भारी है, और मतलब वेट में बहुत भारी है, और इसमें जो है दाल सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। सर्दियों में मैं जो है सूखी सब्जी भी मैं कई बार इसमें बना लेती हूँ, तो वो जो है काफ़ी देर तक जो है गर्म रहती है, क्योंकि इसका जो ये जो है ना तला जो है बहुत मोटा है, और ये खुद भी बहुत मोटा है, मतलब बहुत भारी सा है ये, तो इसलिए जो है दाल जैसे जिस दाल को जो कुकर में नहीं बनानी होती वो दालें मैं इसी पतीले में बना लेती हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, बनाना इसको शुरू करते हैं दाल को। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए गैस मैंने ऑन कर ली थी, और इसमें डाला है मैंने जो है सरसों का तेल, आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सरसों का तेल ही यहाँ पे डाला है। और जैसे ही ये गर्म होगा इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से सूखे मसाले, जो कि मैं ऐड करती हूँ, जैसे जीरा हो गया, जीरा वगैरह जो है, जीरा मेरा फेवरेट है, वैसे मैं हर सब्ज़ी और दाल में इसको ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, तो जीरा मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा किया है मैंने हींग इसमें ऐड,
चुटकी भर हींग की, और बस फिर जो है इसे थोड़ा गर्म होने देना है। जैसे ही ये गर्म होगा इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने प्याज काटी थी उसको, और प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन हमने कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसको ऐड करेंगे। नॉर्मली जैसे हम दाल सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से जो है मैं इसको बनाऊंगी। और जो है टमाटर हैं उनकी मैंने प्योरी बना ली थी, और मतलब टमाटर भी डालूंगी जब ये प्याज वगैरह हो जाएगा। देखिए यहाँ प्याज हो गया था तो फिर मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं ये जो लहसुन और अदरक जो मैंने कूट के रखे थे। और फ्रेंड्स एक साइड मैंने रखा है पानी, क्योंकि हम जो है इस दाल में जब ये मतलब बनाएंगे तो गर्म पानी ही मैं दाल में यूज़ करती हूँ, और गर्म ही हमें शायद यूज़ करना चाहिए। चलो अपनी अपनी मर्जी है ये तो, लेकिन वैसे लगभग मुझे लगता है सभी लोग जो है गर्म पानी ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर मैंने जो है नमक, हल्दी और मिर्च और जो है आमचूर पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है, क्योंकि ये जो काले मसूर की दाल होती है ये थोड़ा खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, इसका टेस्ट खट्टा अच्छा लगता है। वैसे हम जो है आमचूर जो है हमारे घर में जो है हम आजकल जैसे आम का सीज़न है तो हम आम को पतले पतले पीसीज में काट के जो है हम सुखा लेते हैं, और फिर उनको सुखाने के बाद जो है उसको मतलब रोस्ट करके अच्छे से मतलब भून के जो है उनका पाउडर बना लेते हैं, खुद का मतलब आमचूर पाउडर बना लेते हैं। अगर पाउडर ना हम बनाना हो तो वैसे भी हम उन्हें रख लेते हैं, और जिसे हम अपनी मंडियाली लैंग्वेज में मुकड़ी कहते हैं, और वो डाल के जो है हम इस दाल को बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैंने उसकी जगह जो है आमचूर पाउडर ऐड किया है, और ये देखिए मसाला रेडी हो गया था। तो उसके बाद मैंने डाल दी है ये दाल इसमें। अभी जो है दाल को हमें जो है काफ़ी देर तक जो है चला लेना है, मतलब अच्छे से जो हमें थोड़ी देर के लिए मतलब इसको जो है इस मसाले में भून लेना है। तो मैं इसको जो है ढक्कन लगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है मसाले में दाल अच्छी तरह से मतलब वो हो जाए। और फिर ये देखिए यहाँ पे जो है दाल जो है थोड़ी देर के लिए भुन गई है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी फिर जो मैंने पानी गर्म किया था वो। ये देखिए पतीला बड़ा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि पानी बहुत कम इसमें है, लेकिन ये जो है पतीला देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन अंदर तक ये गहरा है। तो बस इतने से पानी से जो है आराम से हो जाएगा, और अब जो है पकने के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। और दाल देखिए फ्रेंड्स लगभग भी मतलब अध पकी सी हो गई है, बस कुछ ही देर में जो है दाल बिल्कुल बन के रेडी हो गई है, हो ही जाएगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स दाल जो है रेडी हो गई थी हमारी ये, और बस फिर यहाँ पे हमें इसमें जो है धनिया डाल लेना है, और बस दाल बन के रेडी है। और फ्रेंड्स कहते हैं कि ये जो दाल है ये वज़न घटाने के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा जो है भरपूर होती है। और भी जो है इस दाल के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे ब्लड शुगर के लिए, पाचन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, और स्किन के लिए जो है ये दाल बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। और तो चलिए दाल बन के रेडी हो गई है, और अभी जो है इसे कर लेते हैं। और यहाँ देखिए प्लेट भी मैंने लगा ली है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर लंच कर लेते हैं, और बाद में जो है इस वीडियो का एंड करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड मैं कर दूँगी यहीं पे। थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी तो वीडियो का एंड नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं इस वीडियो का एंड यहीं कर दूँगी, और क्योंकि वीडियो फिर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।